हेलो फ्रेंड्स, मैं इसका आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका यूट्यूब चैनल कौन सब्सक्राइब किया और कौन अनसब्सक्राइब किया। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोन पर पता लगा सकते हो कि आपका यूट्यूब चैनल कौन सब्सक्राइब किया और कौन अनसब्सक्राइब किया। तो अगर आप भी पता लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि यूट्यूब पर अपडेट आ चुका है, जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो चुका है। जैसे कि यूट्यूब स्टूडियो पहले आ रहा था, तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर मैनेज वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो अपडेट आया था यूट्यूब पर, इसीलिए चेंज हो चुका है। तो आप सबका कमेंट भी आ रहा था, मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया था, जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कि मतलब मिल रहा है यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पर मिल रहा है मैनेज वीडियो का। तो हम कैसे देख सकते हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो को देखते रहो एंड तक, कैसे आपको देखना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको देखना है आपका यूट्यूब चैनल कौन सब्सक्राइब किया और कौन अनसब्सक्राइब किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। अभी मैं वीडियो के बीच में कुछ बताऊंगा आपको, जिससे आपको बहुत बड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आपको दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। इसे क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे दोस्तों, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको ऊपर दिख जाएगा 3 लाइन, सबसे ऊपर देखना, आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है, ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दोगे, सही वाला टिक लग जाएगा। इसके बाद आपको यूट्यूब पर क्लिक कर देना है, या तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। चलिए हम यूट्यूब पर क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे क्लिक कर दोगे दोस्तों, कुछ इस तरह का पेज सकते हैं, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर से आपको जूम करना है, आपको यहाँ पर से राइट वाले आइकॉन पर आना है, और यहाँ पर से देखना है अपने चैनल का लोगो, अपने जो भी चैनल का लोगो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पर क्लिक कर दोगे दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है योर चैनल। आप यहाँ पर से ये तो दोस्तों आप लोग देख लेना, यूट्यूब स्टूडियो अगर आपको मिल रहा है तो यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना। अगर योर चैनल पर क्लिक अगर करना है तो योर चैनल पर क्लिक कर दो। चलिए हम योर चैनल पर क्लिक कर दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे उस पर क्लिक कर दोगे, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो मैनेज वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले लिखा था यूट्यूब स्टूडियो लिखा था, दोस्तों चेंज कर दिया गया है इसे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज वीडियोस। तो आपको मैनेज वीडियोस पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंटिन्यू टू स्टूडियो, दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू टू स्टूडियो, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे दोस्तों, ये देख सकते हो थोड़ा लोडिंग ले रहा है। जूम करना है, यहाँ पर से आपको जूम कर लेना है, और यहाँ पर से आपको लेफ्ट पर आना है, लेफ्ट साइड पर आना है, और यहाँ पर ऐसे आ जाओगे आप। दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हो जो दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबसे इसके वीडियो के ऊपर वाले आइकॉन पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे दोस्तों, ये देखिए डैशबोर्ड है, इस पर जैसे क्लिक कर दोगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप यूट्यूब स्टूडियो पर भी क्लिक करके आ सकते हो। सो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते, थोड़ा लोडिंग ले रहा है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन हुआ डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद। अब आपको यहाँ पर से आना है, जो अनजूम थोड़ा छोटा करना है दोस्तों आपको यहाँ पर से। चलिए हम छोटा थोड़ा कर दे रहे हैं, दिखता है दोस्तों। आपको यहाँ बगल में आना है, इसके सबसे बगल में आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पर से जूम करना है, और यहाँ पर जूम करना है दोस्तों, और यहाँ पर देखना दोस्तों रिसेंट सब्सक्राइबर जो लिखा है दोस्तों, आप लोग यहां देख रहे हैं रिसेंट सब्सक्राइबर, और इसके नीचे देखना आप लोग CR लिखा होगा। आप लोग यहां बोलते हो कि भाई यहां पर हमें रिसेंट सब्सक्राइबर का ऑप्शन मिलता ही नहीं, ये देखिए इस तरह रहता है आपके फ़ोन में। बस आपको यहां पर थोड़ा जूम करना है, इसको जूम करना है, और यहां पर से आ जाना है रिसेंट सब्सक्राइबर जो लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है CR, दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हैं। तो आपको CR पर क्लिक कर देना है, बस आपको CR पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे दोस्तों, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर छोटा करना है, इसे छोटा मैं करके दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आपका जो भी जितने भी सब्सक्राइबर रहेंगे या दिख जाएंगे, मतलब आपके यूट्यूब चैनल को कौन सब्सक्राइब किया है यहाँ पर दिख जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये लास्ट 90 डेज़ का है, मतलब 90 दिन का है दोस्तों।
आप लाइफ टाइम का देखना चाहते हैं, यहाँ पर जो ये देख सकते हैं 90 दिन का है ना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एरो के निशान पर। अब आपको यहाँ पर सिर्फ लाइफ टाइम कर देना है, लाइफ टाइम कर दोगे और यहाँ पर ऐसे लाइफ टाइम पर क्लिक कर दोगे, जितने भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर से ऐसे करके देख लेना है, और यहाँ पर देखना है तो आपको यहाँ पर से यहाँ जो एरो का निशान बन रहा है यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों एक एक बात ये भी है कि आप लोग ये बोलते हो कि भाई हमारे जैसे 20 सब्सक्राइबर हैं तो उसमें 2-3 दिखते हैं, सबसे मेन वाली बात यही है। तो गाइस आपको यहाँ पर जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, अभी आपको देखिएगा मैं आपको। सो गाइस थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया, सो गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सब्सक्राइबर के नीचे आप लोग देखना ये लिखा हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ना उनका जो सब्सक्रिप्शन जहाँ होता है वहाँ पर, वो क्या कहते हैं उसे, वो प्राइवेट ना रहना चाहिए, पब्लिक रहना चाहिए दोस्तों। पब्लिक रहेगा तभी आप लोग का यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर जो दिख रहा है मेरे में ये तभी दिखेगा दोस्तों। मतलब कि जो उनका सब्सक्रिप्शन होता है ना, वहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला एक वो होता है बटन, अगर उसे प्राइवेट आप लोग करे रहोगे तो नहीं दिखेगा। अगर आप लोग उसे हटा दोगे, मतलब डिसेबल कर दोगे, पब्लिश कर दोगे पब्लिक, तो आपको दिखेगा, आपको दिखेंगे। तो यही एक बात होती है, आपको समझने वाली बात होती है कि आपको जो सब्सक्राइब करेगा ना, वो जो सब्सक्रिप्शन वाला होता है उसे डिसेबल रखना, मतलब कि वो पब्लिक करे रहेगा तभी आपको दिखेगा, जो पब्लिक वो पब्लिक करे रहेंगे तभी आपको दिखेगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हो और एक बात कि जो अनसब्सक्राइब है, अनसब्सक्राइब को आप लोग दोस्तों नहीं देख सकते हो, दोस्तों आप लोग अनसब्सक्राइब को नहीं देख सकते कि हमारे यूट्यूब चैनल को कौन अनसब्सक्राइब किया, आप लोग नहीं देख सकते हो। अब दोस्तों रही बात इसलिए नहीं देख सकते, अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ना दोस्तों ये यूट्यूब के खिलाफ है, आप लोग ये भी नहीं पता लगा सकते हो कि हमारे वीडियो को कौन डिसलाइक किया या हमारे यूट्यूब चैनल को कौन अनसब्सक्राइब किया, ये आप पता नहीं लगा सकते किसी भी हालत में, आप लोग नहीं पता लगा सकते। बस ये देख सकते हो कि आपका यूट्यूब चैनल कौन सब्सक्राइब किया, वो भी नहीं देख सकते हो। अगर वो प्राइवेट किए हैं तो वह नहीं देख पाओगे, अगर पब्लिश किए हैं तो आप लोग देख सकते हो। और रही बात अनसब्सक्राइब की, तो अनसब्सक्राइब आप नहीं देख सकते कभी भी, आप नहीं पता लगा सकते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल कौन अनसब्सक्राइब किया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।